अच्छा तुम लोग, उम्मीद करने तुम लोग ठीक नला और मिला ठीक छिन। स्वागत छु तुम का मेरे YouTube चैनल संगीता मेहता ब्लॉग पर। आज ब्लॉग स्टार्टिंग करने मेरे तरह पर और बिना खाना बट में आज ब्लॉग स्टार्टिंग करने इनके लिए कि ब्लॉग जो आज में बिना खाना में बढ़ोनी उम्मीद कुमाऊँ फेमस बड़ी सब्जी बढ़ोनी बहुत टेस्टी और भल हूँ यह सब्जी। और यह रेसिपी में आप लोगों तक शेयर करनी और मैं सिंपल और सात तरीकल ये रेसिपी बढ़ूँ और आप लोगों को उम्मीद करूँ पसंद आला जब तो लाइक करिया कमेंट करिया और अगर चैनल में नहीं होला तो सब्सक्राइब ले करिया। और उम्मीद करना आप लोगों का हमारा ब्लॉग पसंद आल और आपको तरफ में पूरा कोशिश करनी ब्लॉग भल से भल बढ़ोनक और आप कुमाऊँ भाषा मातृभाषा कुमाऊनी में मैं ब्लॉग बढ़ोनी आपको कुमाऊँ भाषा और आपको कुमाऊँ में जो हम कुमाऊनी पहाड़ी लोग नेचुरल खाना खानो उन्हें आप लोगों तक अक्सर शेयर करनो और आप लोग मेरे को पूरा सपोर्ट कर छा और उम्मीद करनो अगिल्ला करला। लेकिन जो हमारे चैनल में नहीं हला वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ताकि मैं उन्हीं वाला हर वीडियो आप लोगों को मिल सको। मैं आप कुमाऊँ आप पहाड़ एक चेल छन एक बार छन तो मैं अपन कुमाऊँ भाषा में अपन ब्लॉग पस बढ़ोनू और शायद बहुत सारे लोगों को मैं भाषा समझ में लाने उन्हें पर फिर मैं साफ और सटीक कुमाऊनी बोलनू कोई मतलब मिक्स नहीं करन। और तो मेरी भाषा उम्मीद छू कि आप लोगों ने थोड़ा बहुत समझ में तो आल और अगर आली तो लो बताया कमेंट कर अगर नहीं आली तो लो बताया तुम्हें कमेंट इंतजार रहा के लिए कमेंट देखे जो आप लोग प्यारा प्यारा कमेंट कर छा ना वो बहुत भल लागू। और यह दगड़ी में आप ब्लॉग का शुरुआत ला करूँ बैक कैमरा बेड में आप लोगों का सब कुछ देखूँ रेसिपी में कैसे बढ़ो के करूँ और आप लोग हमारा ब्लॉग पूरा देखिए शुरुआत शुरू बजी एंड तक ठीक छू पूरा सपोर्ट करिए। और जैसे कि मैं कोई भी डिश बनाने से पहले मसाले पीसा करती हूँ और सिलबट्टे में मैंने मसाला रखा हुआ है और ये मैंने हल्दी रखी हुई है और ये मैंने धनिया के बीज रखे हुए हैं, ये मैंने लहसुन की कलियाँ रखी हुई है और ये मैंने हरी मिर्च रखे हुए हैं। तो मैं इन सबको पीस के मसाला तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आप लोगों को आगे दिखाऊँगी। आप लोग ब्लॉग में बने रहें और तो मैंने आज ब्लॉग दोनों भाषाओं में बनाने की सोची है। जैसे मैं हिंदी और कुमाऊनी दोनों में बोलूँगी तो मैं अब कुमाऊनी में बोलती हूँ। यह हल्दा खून धर राखो मेल और यह मेल लहसुन कली धराखिन, यह मेल धनिया बीज धराखिन और यह मेल हरी मिर्च धराखें। अब इनका मैं पीस लूँ सिलबट्टा में आप लोग उनको देखो यह बढ़िया कब हल्दा को करबे पीसबे मसाला तैयार करबे दिखोनो में आप लोगों के। और आप लोग देखिया कोयला खा बोल पहले मसाला तैयार करो बहुत जरूरी है क्योंकि जब अगर सामान तैयार हो तो खा बोलना जल्दी हो आसानी हो। और मसाला वो तैयार है ये मसाला को मैं उठ लेना एक कटोरा में मसाला उठ लेना जल्दी आग जलाए छी और रत पर हम आग जलाए छी आज। और देखो हरी सब्जी ले हगो मेरे तैयार यो बढ़िया हगो हरी सब्जी यो बढ़ गो यो। अब मैं एक डोंगा में खाल कर लेना फिर यो कड़े में मैं अपन अगल रेसिपी बढ़ोन। ये देखो कोहरा अब देखे नहीं दिखना रहता रहता पर पूरा कोहरा लग रहा आज तक कोहरा बिल्कुल नहीं हट रहा रहते भी है ना। और वह दगा दगा खराब यू दगा दगा मैं आप देखो मैं आप छान में अगिनियो और छान में मैं आप बाबू अगला काम शुरुआत कर लूँ। ये रहते रहता ठंड में ना मस्त वाला आग जल रहा है ये सर्दी में ना ये आग ना क्या बताएं आप कितना अच्छा लगता है आग सेकना।
तो आज की जो रेसिपी मैं बना रही हूँ उसके लिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। ये देखो मैंने घर का पिसा हुआ मसाला ले रखा है, एक प्याज ले रखा है, और ये गेहूँ का आटा है, ये जीरा है, और ये मैंने बड़ी ले रखी है जो हमारे पहाड़ों में बनते हैं। ये बड़ी है अक्सर सरसों का इस्तेमाल करना, सरसों तेल इस्तेमाल करना, तो चूल्हे में चढ़े है सरसों तेल, और मैं इनमें खींच दूँ जीर गरम हो गो तेल, जीर खींची है ये मैं, और डाल दिया है इसमें जीरा। उसके बाद इसमें डाल देती हूँ मैं प्याज, देखो हो चुका है प्याज भी, प्याज के साथ साथ मैं इसमें डाल देती हूँ ये बड़ी। बड़ी जो है ना उड़द की दाल और जो ककड़ी होती है ना, ककड़ी पहाड़ी ककड़ी, उनको कोड़ के और जो उड़द की दाल होती है उनको भिगा आधे भिगा के उसको पीस के फिर मिक्स करके ककड़ी कद्दूकस करके बनाई जाती हैं। किसी दिन बना के दिखाऊंगी आप लोगों को बड़ी। तो आज उसी बड़ी की सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। हमारे कुमाऊँ में बहुत बनते हैं बड़ी, और बड़ी की सब्ज़ी भी बहुत खाई जाती है। ये ठंडों में गर्मियों में भी बहुत अच्छी होती है सब्ज़ी, और ठंडों में तो खैर खाई जाती है, बरसात के टाइम पे कम खाते हैं बड़ी की सब्ज़ी। इनको ब्राउन होने तक भून लेते हैं प्याज के साथ बड़ी को, ये जब तक ये ब्राउन होते हैं तब तक हम भून लेते हैं इनको, देखो बढ़िया करके, तो ये भूनने में ही आधे पक जाते हैं ये, और नॉर्मल सॉफ्ट हो जाते हैं थोड़ा सा। तो इनको 5 मिनट तक या 2 मिनट तक, जब तक ये ब्राउन ना हो, क्योंकि नीचे से आँच के सबसे जल्दी ब्राउन हो जाते हैं ना ये, आग ज़्यादा है तो जल्दी ब्राउन हो जाएंगे, आग कम है तो थोड़ा टाइम लेंगे। तो अभी नहीं हुए हैं ये, उसके बाद आप लोग को सुबह सुबह इतना ठंडा हो रहा ना, शीत लहर चल रही है, पर आग में जब हम खाना बनाते हैं ना तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ठंडों में ही तो मज़ा है आग में खाना बनाने का। टाइम पे डाल रखा है इनको कि प्याज प्याज भी ब्राउन हो गया, और प्याज के साथ साथ ये भी ब्राउन हो गए हैं, क्योंकि तो क्या होता है ना इनको ब्राउन करने में प्याज जल जाता है और फिर प्याज कड़वा हो जाता है, इसलिए प्याज के साथ साथ ये भी हो गए हैं ब्राउन, भुन चुके हैं हमारे बड़ी और बढ़िया हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये जो मैंने ये धुन लिया था, क्योंकि अगर मैं जल्दी डाल दूँ तो ये जल के कोयला हो जाता है, क्योंकि बहुत जल्दी वो हो जाता है। और अब देखो एक साथ भून लेंगे तो ये ख़राब नहीं होगा, हो हरा ही दिखेगा उसमें, तो थोड़ा सा 1 मिनट तक हम इसको भून लेते हैं, और भून भी हमारा अच्छा हो गया, ये प्याज के साथ साथ बड़ी के साथ साथ भून भी भून चुका है, धुन भून नहीं धुन, बात करते करते मुझे पता ही नहीं चलता है। अब मैं ये जो मैंने गेहूं का आटा ले रखा है इसको भी इसके साथ ही भून लेंगे, बढ़िया करके भून लेते हैं। गेहूं का आटा इसलिए डाला जाता है इसमें क्योंकि इससे सब्जी गर्म होती है, और जो बड़ी का एक अलग सी खुशबू आती है ना वो आती है, इसलिए अक्सर अलग अलग चीज़ों में बनाया जाता है इसको। ऐसा नहीं है कि गेहूं का ही आटा है, कि जिसको गेहूं का आटा का पसंद नहीं तो वो बेसन डाल सकता है इसमें, और चावल का आटा डाल सकता है ग्रेवी के लिए, और ग्रेवी के लिए चेड़ रहा है, लेकिन मुझे और मेरी जो फैमिली है उन लोगों को ये गेहूं का आटा का भुना हुआ अच्छा लगता है, इसलिए मैंने गेहूं का आटे का इस्तेमाल किया हुआ है इसमें, और बहुत अच्छी खुशबू आती है बड़ियों की, और उसके साथ ये आटा ये नेचुरल हुआ तो मुझे बहुत पसंद है। मेरे हिसाब से हो गया है ब्राउन, तो कड़वा हो जाएगा जल जाएगा, तो पहले तो पानी डाल दूँगी क्योंकि आटा डाल कर तो ये देखो पानी डाल दिया है मैंने इसमें, ये थोड़ा देर में पक जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। और इसके साथ साथ मैं इसमें ये पिसा हुआ मसाला भी डाल देती हूँ, देखो सिलवट्टे में तैयार किया हुआ मसाला है, ये
साग में बढ़िया उबाल लगो और देखो ग्रेवी ले गाढ़ गए जरा सी पकड़ में ही ग्रेवी गाढ़ गए ये देखो बढ़िया ग्रेवी है रे और यह खाने में लगे दूर टेस्टी होने या अगर तुम बड़े बे खाया बहुत बढ़िया हो यो और देखो भाप होना तो भाप बोल थोड़ा सा साफ नहीं दिखाई देना है लेकिन यह ग्रेवी बहुत बढ़िया है ये और ये बाद में थोड़ा सा 5 मिनट पकड़ दिनों ताकि बड़ी कच्चा नहीं रोई में और जब पक गया जब फिर उतारने के चूल्हे में बढ़िया रेडी हो बड़ी सब्जी हमारी शानदार रहो बढ़िया धीमी धीमी खुशबू है बड़ी और कुकर में चढ़ा है मेल भात कुकर में भात चढ़ गो और सलादा काटनी हूँ मुँह सलादा लीजिए तो अब जब खाना है गो हमार रेडी फिर बाद में मिलन आप वो रेडी है और अब बड़ी साग में तैयार हो गया बढ़िया बड़ी सब्जी हो जाएगा पहाड़ी बड़ी सब्जी हो गया हम पहाड़ों में अक्सर से बड़ी सब्जी बनाने हैं पुनी हुई मिर्च है दी बेटी और ये सलाद मूल है दी बेटी सिल बटा मन नूना रखे देखो मैं किचन थाई रेडी है और अब हम गर्मा गर्म खाना एंजॉय करना तुम लोग हमें ब्लॉग एंजॉय करना धन्यवाद।